हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू कैंपस एक्स। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ डू वी रिवर्स अ लिंक लिस्ट यूजिंग स्टैक। हम लोग इसके पीछे का लॉजिक देखेंगे और फिर इसको जावा में कोड करना सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा इनपुट एंड आउटपुट क्या होगा? बेसिकली इनपुट है एक लिस्ट और आउटपुट होगा उस लिस्ट का रिवर्स। अब हम इसी लिस्ट में भर के दे सकते हैं या फिर दूसरा लिस्ट यूज कर सकते हैं, वहाँ पर रिवर्स करके दे देंगे। सो इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा? सो हमारे पास ये इनपुट लिस्ट है और हमारे पास एक स्टैक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट का पहला आइटम उठाएंगे और स्टैक में पुश करेंगे। लिस्ट का पहला आइटम रिमूव करेंगे और स्टैक में पुश करते जाएंगे। ऐसे ही 2 को भी हम लोग स्टैक में पुश कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही 3 को भी, और ऐसे करते करते हम लोग लिस्ट के पहले पोजिशन से निकालेंगे और स्टैक में पुश करते जाएंगे। तो 10 भी यहाँ पे चला गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी पॉपिंग थिंग्स ऑन द स्टैक और हम लोग लिस्ट में लास्ट में अपेंड करते जाएंगे। सो पहले कौन सा पॉप होगा? 10 होगा। सो हम लोग पहले 10 निकाल लेते हैं, फिर हम लोग आ जाएगा 9 और लिस्ट में अपेंड कर देते हैं, एंड देन 8, और ऐसे करते करते हमारा 1 भी चला आएगा। एंड दैट्स इट, दैट्स हाउ यू रिवर्स अ लिंक लिस्ट यूजिंग स्टैक। So now let's code this out in Java. So here I am at IntelliJ platform. Here I have already made a class reverse linked list, और इसका main method मैंने लिख लिया है। Now what we are going to use is Java का built-in stack और linked list. खुद से code कर सकते हैं stack और linked list, but नहीं कर रहे। This is not the motto of this video. So I'm going to import java.util. हम यहाँ पे linked list add कर सकते हैं या फिर स्टैक भी ऐड कर सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम लोग स्टार्क बोल देते हैं, तो बोथ ऑफ देम विल गेट इम्पोर्टेड। सो हम यहाँ पे एक लिंक लिस्ट ऐड कर लेते हैं विच विल बी ऑफ इंटीजर टाइप। ओके, या न्यू लिंक लिस्ट, और हम लोग एक स्टैक भी बना लेते हैं अपना, जो जिसमें इंटीजर्स ही रहेंगे। मैं उसको स्टैक बोलता हूँ। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग एक इनपुट मेथड बनाते हैं, इनपुट मेथड। सो इस इनपुट मेथड में क्या होगा, अभी हम लोग क्या करेंगे कि इस इनपुट मेथड में मैनुअली लिस्ट में नंबर्स भर देंगे, ठीक है। बाद में आप लोग ये यूजर से भी इनपुट ले सकते हो, बट अभी के लिए हम लोग मैनुअली नंबर्स भर देंगे। और नंबर्स क्या क्या होंगे, द नंबर्स विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जो हमने PPT में देखा था वही। सो लेट मी क्विकली मेक द मैनुअल इनपुट्स। सो हियर आई हैव ऑल द इनपुट्स। आप देख सकते हो कि 1 से लेकर 9 तक है, आई गेस 10 तक होना चाहिए। ll.add10। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हाँ, अब हम लोग मेन काम स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, इस लिस्ट के पहले पोजीशन से एलिमेंट्स निकालेंगे और स्टैक में पुश करते जाएंगे, ठीक है। सो हम लोग ये काम करेंगे, वाइल कुछ काम करेंगे, तो हम लोग करेंगे ll.get और फर्स्ट वाला एलिमेंट वी आर गोइंग टू गेट द फर्स्ट एलिमेंट और हम लोग इसको स्टैक पे पुश करेंगे। ओके, stack.push, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, ll का पहला आइटम रिमूव करेंगे। So we have to remove the item, right? और हम लोग ऐसा कब तक करेंगे, जब तक कि हमारा linked list खत्म ना हो, like empty ना हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे error इसीलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने static नहीं लिखा है। हम लोग static context में इसको ये करना चाहते हैं, और यहाँ पे भी input पे भी हम लोग इसको static देना होगा। So all the errors are removed. So we are getting the first element from the linked list and pushing it to stack and removing that first element from the linked list. और ये काम हम लोग कब तक कर रहे हैं, जब तक कि linked list खत्म ना हो। अब हमारे stack में सारे elements हैं और linked list खाली है। So अब हम लोग क्या करेंगे कि stack में से एक एक करके elements pop करेंगे और list में append करते जाएंगे। So we are going to write while stack.pop, और फिर हम लोग क्या करेंगे, linked list.add, हो गया।
और ये कब तक चलेगा? जब तक ये हमारा स्टैक खाली ना हो. स्टैक डॉट इज एम्प्टी, नॉट इज एम्प्टी. मैं हमेशा उल्टा करता हूँ, पहले इज एम्प्टी लिखता हूँ फिर नॉट लिखता हूँ, सुविधा होता है मेरे को. सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. फिर हम लोग एक इस लिस्ट को प्रिंट कर देते हैं ताकि यूज़र को अच्छे से समझ में आए. सो हम लोग लिख देंगे अच्छा सा एक लिंक लिस्ट, मतलब प्रिंट स्टेटमेंट. और फिर हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रिंट द लिंक लिस्ट. ठीक है, सो आई लेस देन एल एल डॉट साइज आई प्लस प्लस, और फिर एस आउट कर देंगे एल एल डॉट गेट आई को, और फिर इसके बाद एक बैक स्लैश टैब भी लगा देंगे. ठीक है, बट आई रोट दिस फॉर सम टू शो यू समथिंग कि वी कैन रिप्लेस दिस थिंग. ये क्या कर रहा है कि लिंक लिस्ट का हर एक इंडेक्स पोजिशन पे जाके प्रिंट कर रहा है. बट वॉट वी कैन यूज इज समथिंग कॉल्ड इन्हेंस्ड फॉर. अब आई एम राइटिंग द लॉजिक हियर, इन्हेंस्ड फॉर का सिंटैक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ. सो सी इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस. सो सी द कोड इज सो लेस नाउ. ये क्या कर रहा है, हर आइटम उठा रहा है इस लिंक लिस्ट से और उस आइटम को प्रिंट कर रहा है. इंस्टेड ऑफ हैविंग एन इंक्रीमेंट लाइक एक पॉइंटर आई जो इसके इंडेक्स पोजिशन को पॉइंट करता है, वी कैन हैव दिस थिंग. ओके, और मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ. एक बार चला के देख लेते हैं हमारा लॉजिक सही है कि नहीं. हाँ, तो हमारा लिंक लिस्ट रिवर्स हो गया. सो दैट्स इट. नाउ यू कैन गो अहेड एंड इसको चेंज करके आप मैनुअल से यूजर इनपुट ले सकते हो, बट दिस इज द कोड. हम लोग क्या करते हैं, पहले लिंक लिस्ट के पहले पोजिशन से स्टैक में पुश कर रहे हैं हर एक एलिमेंट, फिर स्टैक से वापस से लिंक लिस्ट के पीछे ऐड कर रहे हैं. सो दैट्स हाउ यू रिवर्स अ लिंक लिस्ट यूजिंग स्टैक. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.